हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके शर्मा सी में। आज आप लोग थंबनेल देखे होंगे, फिर समझ चुके होंगे कि इस थंबनेल के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या क्या कहां कहां हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक नाम को सुनिएगा और किस कारण से उस चीज़ को पेंडिंग रखा गया है, नहीं हो रहा है, इस सबको आवाज़ हम इस वीडियो के माध्यम से उठा रहे हैं आपके मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए। कि अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए, तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा, हमको अंदर से खुशी मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कहीं भी बिहार में इस तरह का सिस्टम हो रहा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस पर हावी हो। देखिए, जब तक आप लोग हावी नहीं होइएगा, जब तक पब्लिक हावी नहीं होगा, कोई आपका मतलब गवर्नमेंट है, कोई भी रूल नियम है, फ्लो है, उसको आप लोग नहीं सुधरवा सकते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति कहीं अपना आवाज़ उठाता है तो एक व्यक्ति का कोई नहीं सुन सकता है, लेकिन अगर हम लोग सबको मिल करके अगर आवाज़ उठाए, उस आवाज़ को अगर पहुंचाए सरकार के पास, किसी अधिकारी के पास, तो जाकर के इस चीज़ को बदला जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा दिक्कत लगता है सुनने में, देखने में। इसलिए आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना होगा। तो थंबनेल पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत ऐसा प्रखंड है, बहुत ऐसा जिला है जहाँ पर मतलब कि दाखिल खारिज के नाम पर उनका पॉकेट खारिज कर दिया जा रहा है, जेब खारिज कर दिया जा रहा है। खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी उनसे दाखिल खारिज के नाम पर हजारों हजारों लिया जा रहा है। लेकिन कितना लिया जा रहा है परफेक्ट, आज सब हम लिस्ट बना करके रखे हुए हैं। जिन भाइयों ने कमेंट करके बताया कि सर मेरा यहाँ इस प्रखंड में, इस जिला में फंसा हुआ है, तो उन लोगों का कितना कितना पैसा जमा है, अभी तक एक साल से है कि दो साल से है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। कहीं हो सकता है कि उसमें आपका भी नाम हो, कहीं आप भी दिए हुए हैं, तो जा करके आप भी अपना कर्मचारी से प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इतना दिनों से पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर दाखिल खारिज कराने के लिए आप कहीं भी अपना दस्तावेज जमा किए हुए हैं तो वहाँ पर पैसा नहीं लगता है। लेकिन घुसखोरी के जो नियम चल रहा है, तो उसमें मान लीजिए कि अगर कोई 500, 200, 1000, 500 ले रहा है, तो कुछ खर्च के लिए, अपना पॉकेट खर्च के लिए या खाने पीने की खुशी से ले रहा है, तो उसको तो मान लीजिए कि हम लोग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पर दस्तावेज 200 रुपया ले लिए, 500 रुपया ले लिए, तो दे सकते हैं कि चलिए भाई अपना ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन ये चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी नियम ये नहीं लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज में उनको पैसा एडवांस इतना देना होगा। लेकिन कितना ले रहे हैं आपको हम बताते हैं, और कौन कौन से केस अभी उन लोगों के नाम पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, और कितने दिनों से कर्मचारी, ब्लॉक के अधिकारी उनको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके सबूत आपके सामने रखे हुए हैं। बहुत सा कमेंट था, लेकिन उन सभी लोगों को नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि कुछ लोगों का नाम इसमें हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से। तो फर्स्ट नंबर में है मंटू कुमार। मंटू कुमार का 3 साल से परिमार्जन में डाले हुए हैं आवेदन, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब बताइए कि 3 साल से जो परिमार्जन अभी तक नहीं हुआ, तो अगर उनको कोई काम कराना होगा तो नहीं होता होगा, क्योंकि परिमार्जन का मतलब होता है कि किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि को सुधार करने के लिए डाला गया है। ठीक है, हो सकता है उसका नाम होगा, या उसका मतलब खता होगा, या खेसरा होगा, या रकबा होगा, या चौहद्दी होगा, इन सभी को लेकर के डाला जाता है। तो अभी तक अगर 3 साल से उसको नहीं हो रहा होगा, अगर मान लीजिए कि उसको बेचना हो या कोई कार्यक्रम करना हो, तो गड़बड़ गड़बड़ होगा सब कुछ, तो कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं हुआ है, इस पर आप लोगों को आवाज़ उठाना होगा। इस आवाज़ को उठाने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत शेयर करना होगा, लाइक दबाना होगा, और कमेंट जितना कीजिएगा और जितना शेयर कीजिएगा, ये जितना चलेगा वीडियो, उतना सब अधिकारी के पास, सरकार के पास ये पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, सेकंड नंबर में बात करते हैं कि विकास राज हैं। ठीक है, विकास राज ये कहाँ के हैं? नवादा के कावाकोल से हैं, नवादा के कावाकोल से। अब इनका भी दाखिल खारिज फंसा हुआ है, ये 2 साल से फंसा हुआ है, लेकिन इनका भी अभी तक काम नहीं हुआ है, आखिर क्यों नहीं हुआ है? आगे चलते हैं। 3 नंबर में हुआ है कि सुरेश प्रसाद, इनका है मन्नीगाछी ब्लॉक। कहाँ है? मन्नीगाछी ब्लॉक, जिला दरभंगा। 2 साल से इनका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो दाखिल खारिज का नियम है कि 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिनों के अंदर, पहले होता था 90 दिनों के अंदर उसको क्या करना है, खत्म कर देना है, दाखिल खारिज कर देना है, एक के नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देना है। लेकिन अभी देखिए तो 2 साल हो गया है, 2 साल से वहां पर कि माने मन्नीगाछी ब्लॉक का और जिला दरभंगा का अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। उसके बाद बात करते हैं कि 4 नंबर में है विनोद कुमार, ये है मधुबनी के हरलाखी, हरलाखी प्रखंड है इनका, मधुबनी जिला के हैं, हरलाखी प्रखंड है, जो कह रहे हैं
कि सर दाखिल खारिज जो हम लोग डाले हैं उसी का होता है जो 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया पर दस्तावेज दे देता है उसका दाखिल खारिज मिनिमम 1 साल या 10 महीना 8 महीना के अंदर हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा दिन हो गया, 8 महीना 10 महीना हो जाता है। मान लीजिए कि वो भी कितना 5,000 से 10,000 रुपया दे रहा है पर दस्तावेज। अगर मान लीजिए किसी का 5 दस्तावेज हो गया, 3 दस्तावेज हो गया, तो 30 से 40 हजार 50 हजार ये रुपया लोग फ्री में दे दे रहे हैं और वो लोग ले रहे हैं। तो इस पर आप लोग को आवाज उठाना है और रोकना है इसको। उसके बाद बात करते हैं अगला नंबर। अगला नंबर में लिखा हुआ है कि लखन राउत, ये है विभूतिपुर समस्तीपुर जिला से, 1 साल से इनका परिमार्जन इनका भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं खगड़िया जिला के 6 प्रखंड में दाखिल खारिज के लिए 1 दस्तावेज का 10,000 रुपया जोड़ करके 3 दस्तावेज ये जमा किए हैं, ये लगभग ये भी अपना 30,000 रुपया दे चुके हैं, ठीक है। कहां पता है आपको? 6 प्रखंड, ठीक है, खगड़िया जिला के, वहां पर 10,000 पर दस्तावेज जोड़ करके ये 3 दस्तावेज इनका भी था, ये अपना दे चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं मझौलिया वेस्ट चंपारण है, वहां भी ये व्यक्ति है, ये अपना नाम नहीं लिखे लेकिन बता देते आपको, ये भी अपना पर दस्तावेज 10,000 रुपया दे चुके हैं। ये दस्तावेज ये भी जमा किया 3 दस्तावेज और इनको 1.5 साल जमा किए हुए हो गए और 30,000 रुपया ये भी जमा कर चुके हैं और 30,000 लेने के बाद भी 1.5 साल तक इनका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ। इतना भ्रष्टाचारी बढ़ गया है बिहार में। आप लोग जिस सरकार को चुनते हैं, एक वोट देते हैं, उस वोट के चलते आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारा अगला बाल बच्चों की, आगे आने वाला पूर्वजों की क्या स्थिति बनने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार अगर चुन रहे हैं तो चुनिए, अपना मन पसंदीदा सरकार चुनिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवाज आपका है, क्योंकि स्वतंत्र भारत है तो आप आवाज उठा सकते हैं। अगर एक से नहीं हो रहा है तो एक अगर उठाता है तो उसके साथ होना चाहिए 2, 1 से 100 बनता है और 100 से 1000 बनता है, 1000 से 1,00,000 बनता है। इतना बात जरूर याद रखिएगा, जब तक आप आंदोलन नहीं छेड़िएगा, आंदोलन पर नहीं उतरिएगा, तब तक ले कोई सुनवाई नहीं होगा और इसी तरह भ्रष्टाचारी बढ़ता रहेगा। और ये अधिकारी, ये सहकर्मचारी, सभी लोग मिल करके आम जनता को, पब्लिक को चूसते रहेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पैसा नहीं लेना है वहां भी पर दस्तावेज 10,000 रुपया लेकर के, किसी को 30,000 लेकर के, किसी को 50,000 लेकर के, किसी को मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया भी ले लिए हैं, लेकिन 2 साल 3 साल से अभी तक उसको दोहरा रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं दिए हैं। इसका मतलब हो गया कि उनको ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रही है, ऊपर से सिस्टम उनको ढीला छोड़ रखा हुआ है, उस पर लगाम नहीं कस रही है। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो अच्छों की लगाम टाइट हो जाएगी और जितना पेंडिंग वो लोग डाले हैं ना, उनका भी जिंदगी और सिस्टम और उनका भी ड्यूटी पेंडिंग में चलने लगेगा अगर आप लोग चाह दीजिएगा तो। क्योंकि जनता चाहती है तो एक सरकार को बदल देती है, एक सरकार को पलट देती है। जिस दिन जनता चाहेगी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को भी बदल सकती है, सजा दिला सकती है। लेकिन यही बात है कि अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम आपके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अगला नोटिफिकेशन जो भी आएगा आप लोगों के हित में आएगा। वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होंगे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।